हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी और है शनिवार और स्पेशल मार्केट सेशन था। तो बस मार्केट अभी कंक्लूड हुआ है और मुझे लगा रिकॉर्ड कर लेते हैं वीकेंड एनालिसिस, क्योंकि रविवार को कुछ और करेंगे और सोमवार को तो बहुत जबरदस्त कुछ करेंगे, तो बिजी रहेंगे तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि मार्केट का ब्रॉड व्यू जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और चर्चा करते हैं क्या हो रहा है मार्केट में और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। तो ये है पिछले 5-6 दिन का मार्केट। अगर आप निफ्टी को देखें तो आपको बहुत ही अलग तरीके का मार्केट दिखेगा, करेक्शन के बाद में रिकवरी करने की कोशिश और उसके बाद फिर करेक्शन। तो थोड़ा नेगेटिविटी मार्केट के अंदर में अगर आप निफ्टी देखेंगे तो आपको नजर आएगा, और अगर आप निफ्टी नहीं देखते हैं और मिड कैप्स देखते हैं, स्मॉल कैप्स देखते हैं, तो कहीं पर भी कोई भी आपको नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी। जो लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिविटी आई थी वो हम सबको पता है एचडीएफसी बैंक के कारण आई थी, उसका रिजल्ट खराब आया था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि देखिए वो बेचारा स्केपगोट बन गया, क्योंकि मार्केट को करेक्ट होना था, मार्केट ओवरबॉट था और करेक्ट होने का बहाना ढूंढ रहा था, तो एचडीएफसी बैंक बहाना मिल गया तो एक करेक्शन आ गया। तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में एक करेक्शन आया जो है वो थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन लेकिन देखिए बैंकिंग स्टॉक के अंदर में पीएसयू बैंक्स भी है ना, पीएसयू बैंक्स में कहीं पर भी कोई करेक्शन नहीं है, स्ट्रांग है और खड़े हैं, और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर में खड़े हैं। तो डॉलर इंडेक्स क्या बोलता है और क्या लग रहा है, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स नीचे से रिकवर किया ऊपर, इसलिए मार्केट करेक्ट किया। अगर आप निफ्टी के साथ में डॉलर इंडेक्स को टैग करोगे तो दिख जाएगा कि डॉलर इंडेक्स रिकवर किया इसलिए मार्केट गिरा, और मार्केट जो है डॉलर इंडेक्स का नेक्स्ट डायरेक्शन का वेट कर रहा है। तो 21,570 मार्केट का आज का क्लोजिंग है, डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाके हल्का सा यहाँ पर है, देखते हैं क्या होता है। आज तो मार्केट डॉलर इंडेक्स बंद था तो शनिवार था तो कुछ हुआ नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स क्या करता है, बिकॉज मेरा जितना भी सोच है वो यही कहता है कि अल्टीमेटली डॉलर डिसाइड करेगा हम लोग कहाँ जाएंगे। हम यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे आ गया, नैसडैक पर्टिकुलरली काफी हाई लेवल पे आ गया, तो ऐसे पॉजिटिविटी की कोई बात नहीं है, सॉरी पॉजिटिविटी की बात है, सब तरह से मार्केट पॉजिटिव ही। आप देखिए नैसडैक जो है वो कितना हाई आ गया, तो है पॉजिटिव बात है, लेकिन बस वही बात है कि डॉलर जो इसका मूड खराब हो गया, और यूएस में वापस से किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो यूएस यील्ड जो अगर बढ़ने लग जाए तो वापस से डॉलर ऊपर जाएगा, तो एक बार पार्टी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। अदरवाइज इक्विटी मार्केट की पार्टी चालू है, पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी को ना देखें, अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह को, या सॉरी अगर आप मिड कैप इंडेक्स क्या बोलूंगे, अगर आप मिड कैप इंडेक्स अगर को देखें तो पार्टी चालू है और पार्टी बरकरार रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, ये बार बार मैं काम बता रहा हूँ आपको, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक में अपॉर्चुनिटी है रहेंगी ही, तो आप उसको मिस मत कीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप जो है हो गए एक्सपेंसिव, बट जो है सो है, तेजी है तो इंडिया में तेजी है तो बरकरार रहेगी। सो लेट अस सी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक्शन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया, हो सकता है आपके काम आ जाए। कॉम्बिनेशन स्कैन में आते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर में एक स्कैन है, टाइगर स्टॉक मैंने बनाया, टाइगर हो सकता है आपके काम आ जाए। टाइगर कौन होता है, टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो वो अटैक कर देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने ऐड किया है इसमें, एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंट, पैट कंसिस्टेंट, आरओसी कंसिस्टेंट, आरओई कंसिस्टेंट, और आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स फॉर 1 वीक एंड 3 मंथ। अगर मैं टाइगर स्टॉक्स को यहाँ पर सामने रखूँ और उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ के आधार पर स्टॉक निकालूँ तो टाइगर, ये रहे टाइगर स्टॉक्स, 19 स्टॉक्स है टाइगर स्टॉक्स जिनको मैं देख सकता हूँ, माफ कीजिएगा, ये या ये वाले स्टॉक्स हैं टाइगर स्टॉक्स जिनको मैं देख सकता हूँ। तो इनको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो जीएसपीएल है, चाहे कोलपाल है, चाहे वीईएल है, ये सारे स्टॉक्स जो है वो जबरदस्त स्टॉक्स है फंडामेंटली, और इनके अंदर में मोमेंटम भी है, तो इसमें पार्टिसिपेट आदमी कर सकता है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है। बाकी जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो अपना काम करते रहे, इंडिया में वैल्यू बहुत है, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स जहाँ पर बिजनेस पोटेंशियल दिख रहा है वहाँ पार्टिसिपेट करते रहिए। जैसे आईटी सेक्टर बहुत अच्छा, अभी एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छा स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फाइनेंशियलाइजेशन का थीम पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे थीम मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप देखो इन्वेस्टिंग थीम में इतने सारे थीम्स है जो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप इन थीम्स में से कोई भी स्टॉक जिनमें आपको लगता हो कि आपका मन भी बनता है वो थीम्स के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको चिंता करने की बात है कि यहाँ से मार्केट क्रैश करेगा, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स तेजी में, यूएस डॉलर कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा,
और निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलते रहेंगे। तो एंजॉय, और अपना तरीका खुद बनाइए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का। मैं नहीं बताऊंगा स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स बता देता हूँ तो आप लेने लग जाते हैं, तो गलत बात है। आपको अपना प्रोसेस बनाना चाहिए, उसी के लिए तो स्टॉकेज है और ये इको सिस्टम है जो आपको तैयार करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, और मंडे के लिए जय श्री राम। अगर आप भी कमेंट कर दें जय श्री राम तो मुझे मजा आ जाएगा। जय श्री राम, और एक नया दौर इंडिया में चालू होगा, हम सब पॉजिटिव रह के बात करते, कोई भी इसमें रिलीजियस एंगल मत डालिए, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और हम यहाँ से बस अपने आप को ग्रो ही करवाएं और मार्केट हमको साथ देता है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, गुड डे।